Good evening friends, today I am going to discuss on allylic or benzylic alcohol. इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन ही पढ़ने वाला हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो इस रिएक्शन में सबसे खास बात क्या है, पहले आप मेरा 30 सेकंड पुरानी बात सुन लीजिए। मैंने इसके फर्स्ट दो लेक्चर में केमेनोफो द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था, कोई भी एल्कोहल हम उसमें ले सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद मैंने पीसीसी द्वारा ऑक्सीडेशन कराया और उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्कोहल में हो रहा था, अगर प्राइमरी है तो, और सेकेंडरी एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन कीटोन में हो रहा था, लेकिन एएलएन और कीटोन एसिड में कन्वर्ट नहीं होते हैं ऐसा मैंने बताया था। लेकिन अब जो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं वो है एलाइलिक एल्कोहल का या बेंजाइलिक एल्कोहल का, और वो भी किसके द्वारा, MnO2 के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि एल्कोहल के जितने भी ऑक्सीडेशन हैं सभी तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का संभावना इसमें से रहती है। इसकी विद मैकेनिज्म आज आपको मैं सिखाने वाला हूं, देखिए कैसे करते हैं रिएक्शन को। तो पहली बात तो ये है, इसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, मेन बात तो ये है, और किसके द्वारा करना है, MnO2 के द्वारा करना है, यानी ऑक्सीडेंट में यहां पर चेंज कर रहा हूं। सिंपल एल्कोहल अगर यहां पर मैं लू उसका भी ऑक्सीडेशन इसके द्वारा होगा, लेकिन इसके अंदर विशेष बात यह है कि इस टाइप के जो एल्कोहल होते हैं, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से कर देगा। लेकिन इस कंपाउंड में यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एलाइलिक में भी होता है, बेंजाइलिक में भी होता है, उसके बाद अलग से अगर कोई ऐसा कंपाउंड बना है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, लेकिन वो होना चाहिए एलाइलिक या बेंजाइलिक, नहीं तो ऑक्सीडेशन MnO2 द्वारा नहीं होगा। तो देखिए इसमें MnO2 जो होता है, ये मेन कंपाउंड, इसका मेन ऑक्सीडेंट ये है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन कैसे होता है जरा समझ लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कौन सा कंपाउंड है आप खुद काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये है 20 या 220 बोले 1 और। ये देखिए यहां पर ये कार्बन जो आप देख रहे हैं, यहां से मैं काउंट कर रहा हूं CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। पहले तो आप ये जान लीजिए ये क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन इसके अंदर है, यानी इसका ऑक्सीडेशन MnO2 द्वारा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना डबल बॉन्ड जो लगा हुआ कार्बन कार्बन के बीच, इस पर कोई अंतर नहीं आता है, केवल हमें इस वाले पार्ट का ही ऑक्सीडेशन करना है, इसमें कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं आएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन मैंने किसके द्वारा किया, MnO2, और इसमें एक सॉल्वेंट लेते हैं CH2Cl2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये सॉल्वेंट हो गया। तो इसमें ये जो कार्बन है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये CH2CHO में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ नहीं करना है आपको, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है, एल्कोहल सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये प्राइमरी एलाइल एल्कोहल है। अगर ये सेकेंडरी एलाइल एल्कोहल हो तब भी आकर के हमारा ये एल्डिहाइड की जगह कीटोन बन जाएगा। ऐसे बेंजाइल एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं लू, मान लीजिए ये ले लेते हैं, बेंजाइल की रिएक्शन बता रहा हूं, अब आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, ये है बेंजाइल,
और इसमें जुड़ा हुआ है OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब इस बेंजाइल अल्कोहल का भी सेम कंडीशन में यानी MnO2 की प्रेजेंस में सॉल्वेंट CH2Cl2 लेके इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। इस CH2 है बेंजाइलिक कार्बन है, इस CH2 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से इस रिएक्शन को बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड इसमें लें, अगर इसमें बेंजीन, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी ध्यान रखना 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही रिएक्शन इसमें कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, अगर इसको मैं 2 डिग्री करूं तो कैसा होगा ये? सॉरी, यहां पर मैंने CH2 की जगह ले लेता हूं, CH यहां जोड़ देते हैं आप और इससे जुड़ा हुआ OH, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बस इसका ऑक्सीडेशन करना है, सेम कंडीशन MnO2 और सॉल्वेंट CH2Cl2, तो बस ये ध्यान रखना है जब 2 डिग्री हुआ करेगा तो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इस टाइप का C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। ये देखिए आप, बस अगर 2 डिग्री है तो आप कीटोन में कन्वर्ट कर दो और अगर 1 डिग्री है तो इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, चाहे वो बेंजाइलिक हो चाहे वो एलाइलिक हो। जैसे एलाइलिक में मैंने ये कंडीशन दिया ना, इसी कंडीशन को जैसे अगर ऐसा बनाता मैं, मान लीजिए 2 डिग्री एलाइलिक लो में, आप ऐसे ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर R लगा दें, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये बेंजाइलिक सॉरी एलाइलिक कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हुआ। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन मैं करता हूं MnO2 द्वारा, बस आपको ये ध्यान रखना है वहां पर, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। देखिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन आपको देखना है और इस एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन से ही हम डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी बनेगा या टर्शियरी। अगर सिंपल अगर आप एल्कोहल लेते हैं तब भी इसमें ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये रियली MnO2 जो बनाया गया है वो इससे एलाइलिक और बेंजाइलिक का ही ऑक्सीडेशन आपको करना है, जिससे आसानी से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर कहीं किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा हुआ है लेकिन वो एलाइलिक कार्बन उसमें नहीं है तो MnO2 द्वारा ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। दूसरी ये बात भी याद रखना है, इसमें डबल बॉन्ड या कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है रिएक्शन के अंदर तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल जो चेंज आएगा वो प्राइमरी में आएगा एलाइलिक कार्बन में या बेंजाइलिक कार्बन में। तो चलिए इसमें ये जो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है और ये MnO2 कहां से आता है और कैसी एक्टिविटी MnO2 कहलाता है, जरा साथ कर देते हैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एलाइलिक और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन एल्कोहल का होता है वो भी MnO2 के द्वारा। ये रिएक्शन कैसे होती है इसके पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं, ये MnO2 होता है इसे कहते हैं एक्टिवेटेड MnO2। तो एक्टिवेटेड कैसे बनता है जिससे कि रिएक्शन को आसानी से कर सके, पहले तो वो रिएक्शन मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये ऐसे बनता है MnO2 फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड
एन एन ओ टू। पहले तो आपको ये बनाना आ जाना चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले मैं लेता हूं, ये रिएक्शन से बनता है टू ए एम एन ओ फोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट प्लस थ्री एम एन एस ओ फोर यानी एम एन टू पॉजिटिव की रिएक्शन कराते हैं, और इसमें लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल टू एच टू ओ। जो कंपाउंड बनेगा वो होगा 5 MnO2 प्लस 3 H2SO4 प्लस K2SO4। ये कंपाउंड बन गया, यानी जो MnO2 है इसके अंदर जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है आपका 4, और यहां पर जो Mn लिया गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। तो इसमें जो Mn जो आप देख रहे हैं KmnO4 लिया है, Mn SO4 लिया है, तो इसमें ये कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान ये MnO2 प्रोड्यूस होता है और इसी को एक्टिवेटेड बोलते हैं। ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है कि MnO2 कहां से आता है, जिससे कि हम रिएक्शन कराते हैं एलाइलिक या बेंजीलिक अल्कोहल की, उसके बाद इसका हम करते हैं क्या मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म में आपको क्या करना है ये सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन अंदर से निकल के आते हैं, जैसा मैंने पीसीसी में आपको सिखाया था। तो देखिए यहां पर मैं कोई कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लो, सबका सेम प्रोसेस है। मान लीजिए यहां पर मैं बेंजाइलिक अल्कोहल ले लेता हूँ, वो पढ़ेगा भी सीख लिया, या फिर एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, ये रहा हमारा CH2 और ये रहा OH। इस पर आपको अच्छे से मालूम है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। इसकी रिएक्शन हमें किससे कराना है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये MnO2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना मानेंगे यहाँ पर 4 ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसकी मेन चीज है। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और जो बेंजाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ये ऐड हो जाता है इस मैकेनिज्म से, ये Mn जो ऑक्सीजन है किससे ऐड होता है, Mn से, Mn के किसके साथ, Mn में किसके साथ ऐड होना है ये आपको देखना है, क्योंकि ये मैं अटैक कर रहा हूं ऑक्सीजन का इस Mn पर, तो ये बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर होता है, तो ये हाइड्रोजन एटम यहां से यहां आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ये पोजीशन है इसकी कंप्लीट, फर्स्ट एटम फ्रॉम MnO2 यानी सॉलिड स्टेट की सरफेस पर ये जाकर के एडअप होता है, और देखिए ये रिएक्शन बनती है। अब आपको ये सब कुछ बता दिया है, अब इसे बनाने में तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, ये कंपाउंड बनेगा। अब देखिए इस पर अभी कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे हैं, CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mn सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये H यहां पर आ गया, नीचे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। देखिए अभी इसकी बैलेंसिंग में कोई अंतर नहीं आया है, जैसा था पहले वैसा ही है, इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं आया। ये जो कंपाउंड बना है ये एस्टर कहलाता है। फर्स्ट आपका ये रिएक्शन हो गई, सेकेंड रिएक्शन में आपको क्या करना है, सेकेंड रिएक्शन में ये है कि जो आप ये देख रहे हैं Mn को, ये Mn ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहां से ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये हाफ बॉन्ड आप इसे दिखाएंगे, ऐसे Mn पर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और यहां पर जो बेंजाइलिक कार्बोनेट से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये वाला, तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आकर के जुड़ जाता है। इस टाइप से दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, एक Mn पे चला गया, एक यहाँ आ गया ऑक्सीजन का, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला इस कार्बन पे चला जाता है। ओके एरो लगाया है मैंने, आधा आधा एरो, सिंगल इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना सा काम आपको करना है, तो ये नया
जो बॉन्ड बनेगा या नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसमें ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये कंपाउंड बन गया हमारा। अब हमारे पास सी के पास केवल क्या है, एच है और यहां पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एमएन, एमएन पर भी हमारे पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन जो इसके नीचे जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ जाएगा, ये वाला एच, तो ओ सिंगल बॉन्ड एच हो गया। और आगे इधर जोड़ देते हैं, ओ एच पहले से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, देखिए एम एन और सी में यहां पर, तो इसको बोल सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इसमें एम एन की जो बैलेंसी आती है, यहां तो बैलेंसी एम एन की कितनी थी, 4 ही थी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इस एम एन का कितना रह रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, 3 रहे, ये अनस्टेबल है, तो ये रिड्यूस हो जाता है Mn 3 से 2 में और स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम है इसमें। अब इसमें ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये Mn, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर के Mn पे चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका जो है ना दोनों में, ये हमारा इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, सिंगल ही दिखाएंगे, और ये वाला जो लोन पेयर है ये इसके साथ, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएंगे, एक लोन पेयर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बनता है हमारे पास, ये देखो ये बन गया C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन इसका आकर के डबल बॉन्ड बना लिया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाकर के Mn पे चला गया, तो Mn पर क्या होगा, Mn पर 2OH ये जुड़े हुए हैं साथ में, यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है, ऑक्सीडेशन 2 नंबर वाला Mn 3 से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें Mn OH का बॉन्ड वाइज में कन्वर्ट हो जाता है और मेन कंपाउंड क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड। इस टाइप से इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है MnO2 द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन वाले कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्टिवेटेड MnO2 है जो MnO4 और MnSO4 की रिएक्शन से बनता है, ये बता दीजिएगा, इसका रिएक्शन आ सकती है, दूसरा इसमें जो Mn4 पॉजिटिव है वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर यानी मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी चीज आपको सीखने को मिलती है। कौन किस पर अटैक करेगा ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर CH2Cl2 जो है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, बस इतना सा सिंपल सी इसका ऑक्सीडेशन है, विद मैकेनिज्म आप सीख रहे हैं। ये थर्ड नंबर की अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा जो आपके एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिज्म नहीं सीख रहे हैं तो आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए दोस्तों बिना मैकेनिज्म की कोई रिएक्शन नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन हो जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता हो, ऐसी विदाउट मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म तैयार कीजिए और जितनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, एमाइंस की, सब तैयार कर लीजिए, जितनी रिडक्शन रिएक्शन है वो सारे तैयार कर लीजिए, वो सारी रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम के पहले तक, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।